बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये बारबेक्यू सॉस बनाई है, बहुत ही टेस्टी और खट्टी मीठी बनी है। चलें शुरू करते हैं। एक पैन में मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल है ये ले लूँगी। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें सादा ऑयल वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैं एक प्याज काट लिया है मैंने, वो डाल दूँगी। और साथ ही 3 जवे लहसुन के मैंने ले लिए हैं, वो भी मैं शामिल कर देती हूँ। आप ग्रिल के साथ ये सॉस बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सॉस बनती है। थोड़ा सा अदरक वो मैं डाल देती हूँ। इसके अलावा मैंने एक रेड पापरिका ले ली है और साथ ही इसमें थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो भी काट के मैं डाल देती हूँ। अगर आप तीखी खाना पसंद करते हैं तो मिर्चें आप और बढ़ा दें, नहीं तो इतनी ये काफ़ी हैं। ये सब्ज़ मिर्चों से ही काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। इस ऑयल में मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। ये मैंने थोड़ा सा पुदीना ले लिया है। आप इसे कबाब के साथ, चिकन के साथ, टिक्का बोटी के साथ, सबके साथ ही खा सकते हैं। इसके अलावा ये एक टमाटर है, साथ ही मैं इसके थोड़ा सा धनिया है मेरे पास, वो डाल दूँगी। ये थोड़ी खट्टी मीठी सॉस बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून क्रश चिली, ये कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ले ली है, तकरीबन 3 चम्मच छोटे वाले मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके अलावा 2 से 3 टेबलस्पून ये सोया सॉस है, ये मैं डाल देती हूँ। ये ऑप्शन है, आप डालना चाहें तो ठीक है, ना भी डालें तो कोई बात नहीं। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चिली सॉस डाल दिया है, ग्रीन वाला। ये मेरे पास केचप है, आधी प्याली मैं इसमें केचप की शामिल करूंगी। और साथ ही इसमें मैं, ये देखें, ये तेज़ वाली रेड चिली सॉस है, 1 टीस्पून ये मैं डाल देती हूँ। और 1 गिलास पानी का डालूंगी, थोड़ा सा सिरका वो मैंने डाल दिया है। पानी डालने के बाद मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेती हूँ, ताकि जो इसमें स्पाइसेस हमने शामिल किए हैं वो अच्छे से पक जाएं। ये देखें, 3 मिनट हो चुके हैं और सॉस भी हमारी तैयार हो गई है। इसे मैं बारीक पीस लेती हूँ। अगर आपके पास ये वाली मशीन है तो आप इसमें इसका पेस्ट बना लें, नहीं तो आप इसे जग में भी बारीक कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल इसको पेस्ट फॉर्म में कर देना है, लेकिन जब इसका बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा तो इसे दोबारा मैं उसी पैन में डालूँगी और फिर इसे मैं अच्छा सा इस पैन में पका लेती हूँ, यहाँ तक कि ये गाढ़ी हो जाए। जैसे ही ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने स्वीट चिली सॉस है मेरे पास, ये भी मैं डाल देती हूँ। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त गाढ़ी हो गई है, इसे मैं डिश आउट करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।